उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान, शहरी इलाके में घुसा पानी। उत्तराखंड के चंपावत में शारदा नदी के बढ़े जल स्तर में फंसा युवक, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बची जान। टिहरी जिले के कई हिस्से में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे कुंजापुरी मंदिर के पास बंद। भारी बारिश के बीच केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं में आई कमी, बारिश और भूस्खलन की वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या घटी। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश से हाहाकार, हाईवे पर दिखा 20 फीट का कटाव, कई इलाकों में जलभराव। महाराष्ट्र के धुले से 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या, बच्चा चोरी के शक में वारदात। बच्चा चोरी गैंग से जुड़े होने के शक में लोग बने हैवान, सभी लोग महाराष्ट्र के सोलापुर से आए थे धुले। वारदात में शामिल 15 लोग गिरफ्तार, ग्रामीणों ने तब तक मारा जब तक इनकी मौत नहीं हो गई। लोगों की हत्या पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने मोदी और फडणवीस सरकार पर फोड़ा ठीकरा, फैलते अफवाह को रोकने में नाकाम सरकार। मुख्यमंत्री जो खुद एक गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर वो क्यों अभी तक ध्यान नहीं दे पाए। और ये घटनाएं जो बढ़ रही है, गवर्नमेंट इसमें एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर रह गई है। दिल्ली के बुराड़ी में 11 मौत का राज, 2 रजिस्टर्स में दर्ज, पुलिस ने मृतकों के घर से बरामद किए 2 रजिस्टर। रजिस्टर के पन्नों पर मौत का दिन और वक्त साफ साफ लिखा, परिवार ने जान हूबहू वैसे ही दी जैसे रजिस्टर में लिखी। घर के भीतर मंदिर के पास मिले 2 रजिस्टर, हर शख्स की फांसी लगाने की जगह रजिस्टर में अलग से दर्ज। रजिस्टर्स में आधी रात के बाद जाप शुरू करने का निर्देश, फांसी से पहले आंखों पर कपड़ा बांधने की बात भी लिखी। 2 रजिस्टर्स में मौत और मोक्ष को लेकर एक कहानी नुमा लंबा लेख मिला, पड़ोसियों के मुताबिक धार्मिक प्रवृत्ति का था परिवार। मौत के रजिस्टर में फांसी से पहले हाथ बांधने का मिला था दिशा निर्देश, फांसी लगाते वक्त छटपटाहट से बचने के लिए बांधे गए हाथ। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पूरे परिवार की खुदकुशी का शक, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अब तक 6 मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, फांसी की वजह से मौत की पुष्टि, 5 मृतकों का आज होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह के संघर्ष के नहीं मिली कोई निशान, घर की एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या। मौत से पहले पूरे परिवार ने दान कर दी थी अपनी आंखें, पुलिस को परिवार के तंत्र मंत्र की भेंट चढ़ने का शक। महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री आज करेंगे धुले का दौरा, लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। चेन्नई में भी लोगों ने बच्चा चोरी के शक में 2 युवकों को बेरहमी से पीटा, वक्त पर पुलिस के पहुंचने से बची युवकों की जान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हथियारों की बड़ी खेप जब्त, रिहायशी इलाकों में हमले की थी योजना। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मौके से एक नक्सली का शव किया बरामद। मुंबई में अचानक धसी जमीन, बीएमसी के ड्रेनेज के लाइन का काम करने से हादसा, बाल बाल बचे लोग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केंद्र और एलजी पर बड़ा हमला, बोले जब तक पूर्ण राज नहीं मिलता एलजी का चुनाव भी जनता करे। केजरीवाल का एलजी पर निशाना, बोले अंग्रेज चले गए, मुगल उजड़ गए, लेकिन दिल्ली अब भी गुलाब। केजरीवाल ने कहा दिल्ली की जनता किसी भी सरकार को चुने, पर यहां चलेगा सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर का। केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मसले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की अपील करते हुए कहा प्रधानमंत्री बनना है तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ। केजरीवाल का छलका दर्द, बोले 9 दिनों तक अनिल बैजल ने मिलने का वक्त नहीं दिया, दिल्ली की जनता 2019 में देगी इसका जवाब। 4 जुलाई को 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, 20 दिन के अंदर दूसरी बार अमेठी दौरा। लखनऊ में बीजेपी ने छेड़ा नया राग, टीले वाली मस्जिद के सामने लक्ष्मण की मूर्ति लगाने की बात। बीजेपी नेताओं के मुताबिक टीले वाली मस्जिद असल में लक्ष्मण टीला, नगर निगम में मस्जिद के सामने मूर्ति लगाने का आया प्रस्ताव। मंदिर के इमाम ने जताया विरोध, मस्जिद के सामने मूर्ति लगने से नमाज पढ़ने में आएगी परेशानी, जानबूझकर विवाद खड़ा करने की साजिश। गंगा सफाई पर गडकरी से तुलना से आहत हुई उमा भारती, योग गुरु रामदेव को पत्र लिखकर निकाला गुस्सा, कहा यह तुलना करना मुझे अजीब लगा। उमा भारती की नाराजगी पर रामदेव ने दी सफाई, आहत करने का कोई इरादा नहीं, गंगा को लेकर उनकी निष्ठा का प्रशंसा। भुवनेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का मांगा इस्तीफा, 18 साल बाद भी विकास ना कर पाने का आरोप।
केरल में सीपीआई और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मारपीट में 3 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ट्रोलिंग को 57% लोगों ने बताया गलत, जबकि 43% लोगों ने ट्रोलिंग के पक्ष में। बस्ती में बीजेपी नेता सुनील सिंह पर गुंडागर्दी का आरोप, मोबाइल टावर ऑपरेटर के डीजल देने से इनकार करने पर की मारपीट। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने बीजेपी की चाय की चर्चा के तर्ज पर शुरू की टी विद तेज प्रताप कैंपेन, कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। वाह, हमारा कार्यक्रम होने वाला है, तमाम लोगों से मिलूंगा मैं, इसलिए हमने वो कार्यक्रम अपने तरफ से लगाने का काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पुरुलिया रैली के जवाब में टीएमसी का हल्ला बोल, ममता सरकार के कई मंत्रियों ने की जवाबी रैली। टीएमसी का आरोप, अमित शाह की रैली के लिए बीजेपी ने बिहार और झारखंड से जुटाई भीड़, स्थानीय लोगों के रैली में शामिल नहीं होने का दावा। अखिलेश यादव की बर्थडे पार्टी में दिखा अजीब नजारा, कार्यकर्ताओं ने अखिलेश की तस्वीर वाले पोस्टर को फाड़कर बनाया केक खाने की प्लेट। मध्य प्रदेश के झाबुआ में टला बड़ा हादसा, पुलिया का हिस्सा टूटने के बाद मुंबई दिल्ली लाइन पर रेलवे ट्रैफिक में आई बाधा। भारतीय रेलवे में 90,000 पदों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा आवेदन, अगस्त सितंबर में लिखित परीक्षा लेगी रेलवे। त्रिपुरा की बीजेपी सरकार नौकरी में महिलाओं को दे सकती है आरक्षण, पुलिस बल में 10% पदों को आरक्षित करने की तैयारी। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील के खिलाफ आज देशभर में प्रदर्शन करेंगे व्यापारी, देशभर में करीब 10 लाख खुदरा कारोबारी करेंगे प्रदर्शन। झांसी में किसान की 2 बेटियों ने बारिश के लिए जोते खेत, इंद्रदेव से की अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना। मंदसौर गैंगरेप केस में दोनों आरोपियों के डीएनए नमूने जांच के लिए भेजे गए, पुलिस को बच्चे के बयान का इंतजार। आजमगढ़ में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद परिवार वालों ने लड़की को बेरहमी से मारा। हॉरर किलिंग के बाद परिवार वालों ने लड़की के शव को तेजाब से जलाया, पहचान मिटाने की कोशिश। हरियाणा के यमुनानगर में नशे में धुत युवक ने पुलिस वाले की पर फायरिंग की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में 14 साल के बच्चे को उल्टा लटकाकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की पत्नी ने मॉल में एक शख्स को जड़ा मुक्का, हाथ से टच होने का लगाया आरोप। पीड़ित शख्स ने कांबली और उनकी पत्नी पर मारपीट कर दर्ज कराया एफआईआर, जानबूझकर अपमान करने का लगाया आरोप। पंजाब के बटाला में कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हेरोइन के खरीद फरोख्त में गिरफ्तार, मौके से 10 ग्राम हेरोइन बरामद। हरियाणा के यमुनानगर में विधायक के गनमैन को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती एक संदिग्ध गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में बेटिकट यात्रियों के खिलाफ रेलवे की कार्रवाई, 120 से ज्यादा लोग पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दबंगों से बकाया मांगने पर नाबालिग पर फेंका खौलता तेल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के शामली में मंचले की पूरी तरह से धुनाई, लड़की को जबरन मोबाइल नंबर देने का आरोप। बिहार के बेगूसराय में पीड़ित महिला ने पति के वीजा को कैंसिल करने की मांग उठाई, फोन पर तलाक देकर सऊदी अरब में रह रहा है पति। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन में मिली 2 मासूम बच्चियां, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मां बाप की तलाश। अमृतसर में सांसद गुरजीत औजला की पहली पर 6 ड्रग एडिक्ट युवक अस्पताल में भर्ती, सांसद ने नशे के खिलाफ शुरू की मुहिम। अमृतसर में बीएसएफ ने पकड़ी ड्रग की बड़ी खेप, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 15 करोड़ कीमत। पंजाब के बठिंडा में मां ने 6 साल के बच्चे का किया कत्ल, धारदार हथियार से किए गए कई बार, मानसिक रूप से बीमार थी महिला। यूपी के महाराजगंज में मामूली कहासुनी में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मुकदमा। यूपी के कानपुर में ब्लू वर्ल्ड पार्क में घूमने आए लड़की को बाउंसरों ने पीटा, लड़की पर नशे में गाली गलौज करने का आरोप। यूपी के आगरा में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, 15 करोड़ के नुकसान का अनुमान। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग को अगवा कर भागा ढोंगी बाबा, 5 थानों की पुलिस तलाश में जुटी। कन्नौज में दारोगा की दबंगई का वीडियो वायरल, खुद को बताया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 1 घायल को श्रीनगर किया गया रेफर। यूपी के शामली में बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत, मृतक के परिवार वालों ने ट्रक मालिक की बुरी तरह से की धुनाई। बिहार के मुंगेर में शराब की तस्करी का खुलासा, पुलिस ने 2 को पकड़ा, लॉरी के इंजन में छुपाई थी शराब की खेप। बिहार के बक्सर में रेल पुलिस ने नष्ट की शराब की बड़ी खेप, लोगों ने मचाई लूट। कानपुर के
सचिंदी इलाके में सिपाही के घर से भारी मात्रा में नकली शराब बरामद। एक महीने पहले नकली शराब से यहीं हुई थी 10 लोगों की मौत। यूपी के मैनपुरी में महिला ने की युवक की पिटाई, शख्स पर पति को बंधक बनाकर मकान का बैनामा कराने का आरोप। बिहार के औरंगाबाद में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, 12 घायल। हरियाणा के फरीदाबाद में सेल्फी लेने के चक्कर में झील में डूबा शख्स, पैर फिसलने से हुआ हादसा। असम के सोनितपुर सर्किट हाउस में सांप दिखने से सनसनी, वनकर्मियों ने किया रेस्क्यू। हरदोई में एक शख्स को कोबरा ने काटा, वक्त रहते अस्पताल पहुंचने से बची जान। राजसमंद में रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ट्रैंक्विलाइजर गन की मदद से बेहोश करके पकड़ा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में ट्रक हादसे में 2 महिलाओं की मौत, शादी के घर में पसरा मातम। सूरत में तेज रफ्तार पुजारों ने 3 लोगों को रौंदा, वारदात के बाद मौके से फरार हुआ ड्राइवर। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में भारत की हार, शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से हराया। निर्धारित समय में दोनों टीमें रहीं 1-1 से बराबर, शूट आउट से हुआ फैसला। शूट आउट में भारत ने शुरुआती दोनों मौके गंवाए, ऑस्ट्रेलिया ने बना ली थी 2-0 की बढ़त। फीफा वर्ल्ड कप से स्पेन बाहर, प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रूस ने पेनाल्टी शूट आउट में 4-3 से हराया। उत्तरी माली में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, तो लोगों की मौत, 8 फ्रांसीसी जवान जख्मी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आत्मघाती हमला, 19 लोगों की मौत, 20 जख्मी। थाईलैंड में लापता फुटबॉल टीम की तलाश में जुटा चीनी बचाव दल, रोबोट की मदद लेने की तैयारी। म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर रोहिंग्या शरणार्थियों की हालत गंभीर, मौत के साए में जीने को मजबूर है 5,000 से ज्यादा लोग। रूस के चिड़ियाघर में लुप्त साइबेरियन बाघों के 6 शावकों का जन्म, बहुत कम संख्या में बचे हैं साइबेरियन बाघ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।